हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास ब्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? होप करता हूँ सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कुछ दोपहर की, मतलब एक अच्छे से मौसम के साथ। तो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं बाइक को अपनी MR15 को राइड। तो राइड करने से पहले गाइस, इस बाइक में कुछ प्रॉब्लम वगैरह आ चुकी है एंड आप देख सकते हैं गाइस, ये जो इसका शॉकर है फ्रंट वाला, ये जो लेफ्ट वाला, ये जो फिर से जो है लीक हो चुका है। ये गाइज, इस बार जो मैंने कोई स्टंट भी परफॉर्म नहीं किया इससे, बट फिर भी जो इसमें इशू आ चुका है। ये जो आप देख सकते हैं, जो राइट वाला शॉकर है ये बिल्कुल ठीक है, एकदम वर्किंग कंडीशन में है, एंड दूसरे वाला जो है उससे मतलब ऑयल जो है लीक हो रहा है। तो ये काफ़ी गलत बात है। इसके जो शॉकर होते हैं वो फिर जब जंप वगैरह बम्प वगैरह आएंगे तो ये अच्छे से बाइक जो है स्मूथली रन नहीं कर पाएगी। तो चलते हैं फिर शोरूम में, इसको चेक करा के आते हैं कि क्या इशू है, कैसे सॉर्ट आउट होगी ये प्रॉब्लम। तो फिर साथ के साथ करेंगे एक अच्छी सी राइड। करते हैं हम यहाँ से अपनी राइड बाइक की स्टार्ट। काफी तगड़ी वाली राइड होने वाली है। गाइस, काफी सारी डस्ट उड़ रही है। मतलब गाइस, एक नंबर सीरियस कहूं तो बहुत ही ज्यादा मेरे को पावर का जो है फील हो रहा है इस टाइम। आप देख सकते हैं गाइस, काफी एक एक्सट्रीम लेवल का रोड है यहाँ पे। काफी टाइम के बाद मैं राइड कर रहा हूँ अपनी बाइक, जबरदस्त तरीके की राइड हो रही है सीरियसली। चक्कर है भाई ना। तो गाइस, फिलहाल अभी हम आ चुके हैं जलाचक में एंड यहाँ पे हम बाइक को चेक करा लेते हैं कि क्या इशू है इसमें क्या नहीं। तो देखेंगे चेक करा के। तो बाइक को मैंने अच्छे से यहाँ से निकाल लिया प्रॉपरली एंड आगे का देखते हैं क्या सिचुएशन है। स्पेस तो हमें अच्छे से मिल रही है। गाइस, आज सीरियसली काफी टाइम के बाद बाइक राइड करके काफी अच्छा लग रहा है। ये चक्कर है गाइस, आप तगड़े वाले रिएक्शन मिल रहे हैं हमें। बाइक जो है काफी मतलब एक नेक्स्ट लेवल से पावर जो है फील हो रही है। गाइस, एक नंबर। यहाँ पे आ चुके थोड़ी सी तंग सिचुएशन। गाइस, एक तगड़ा वाला लीन बचा है। गाइस, काफी मजा आया वहां पे राइड करके एंड अभी देखते हैं हम जाएंगे दूसरी वाली साइड, वहां पे चेक कराएंगे कि क्या हमारी बाइक का जो इशू है वो सॉल्व होता है नहीं। तो ये हम आ चुके हैं मेन जो बाजार है जलाचक का, वहाँ पे एंड बाइक को मैंने हल्का सा फिर से यहाँ पे पुश करने की कोशिश करता हूँ। स्पेस तो बहुत ही ज़्यादा कम है। इनसे थोड़ा सा हमें बच के चलना पड़ता है, ये जो पिलर्स वगैरह पड़े होते हैं कहीं भी, ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट तो इस कटिंग इस टाइम मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, अवॉइड कर रहा हूँ कटिंग को मैं बिल्कुल भी। गाइस, ओवरटेकिंग करना भी थोड़ा ध्यान से ही करनी पड़ती है हर एक चीज़।